नहीं चला जा रहा ना तेज तेज अब हील पहन के जो आई थी बड़ा शौक फूल नहीं दिया। हम सब देखने जा रहे हैं भूल भुलैया। आप लोगों ने मेरा कौन सा पहला व्लॉग देखा था, मतलब मैं आप लोगों को कहाँ से मिला, कैसे मिला और पहला व्लॉग कौन सा देखा था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको जरा खोल के देखो और फिर बताओ कि क्या वो। यार पार्टियों आप लोगों ने 2000 वाला टारगेट अचीव नहीं किया तो चैलेंज दिया था ना मैंने तुम्हें 1500 तो लाइक होने चाहिए। 1500 प्लीज 1500 करा देना, इज्जत रख लेना यार मेरी रख लेना। पार्टियों अगर आप लोगों को किसी भी सूरत ये लग रहा है कि हम रात को सो के और सुबह इस सूरज में बाहर निकले हैं तो बिल्कुल गलत लग रहा है, आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम रात भर से जाग रहे हैं और व्लॉग एडिट करके अभी कंप्लीट करके और उसके बाद भूख लग गई और भूख जब लगी तो हमें कुछ खाना था तो फिर हमने कहा हम कुछ खाने चलते हैं और अल्लाह भला करे आपका। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। हाँ बहुत अच्छा बच्चा ही। खाना खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, रीस्टार्ट हो रहा हूँ टाइम के साथ साथ। हाँ बिल्कुल सुबह सुबह लेकिन सो के नहीं जाग के नाश्ता करने जा रहे हैं। सोए नहीं है। हाँ और आज हम नाश्ते में क्या खाएंगे ये आप लोगों को कौन बताएगा, हम खुद ही बताएंगे अभी खाते नहीं बोल दो तुम, मैं बताऊंगा पार्टियों मैं बताऊंगा। आ जाओ। आज हमने सोचा भाई के बाजी को ट्राई कराया जाए तामिया सुल्तान। तामिया सुल्तान बाजी ऐसा कुछ होगा, नम्बर जरा बताना कैसा होगा, जैसे घर में डिस्क्रिप्शन दे रही थी नम्बर ने इतना अच्छा डिस्क्राइब करा। बाजी को बताया कि वेजिटेरियन डिश होगी और क्या कहते हैं एक रोटी के अंदर काट के पॉकेट बना के उसके अंदर दाल के पकौड़े फ्रेंच फ्राइज हम्मस तूम शत्ता सलाद अंडा कटा हुआ सब मिक्स डला होगा और उसकी पॉकेट बनी हुई सैंडविच होगी। इन लोगों का मूड मुंह में पानी आ रहा है एकदम ना। हां तो बस हम मैंने कहा बस वही खिला दो आज फिर। बस तो आज तामिया फलाफल सुपर सुल्तान राइट सुपर सुल्तान यस फलाफल खाना सुपर सुल्तान यस जो भी सऊदी आए तामिया सुल्तान से सुपर सुल्तान जरूर खाना। बाय द वे पेड प्रमोशन नहीं है ये, अगर तामिया सुल्तान वाले देख रहे हैं तो थोड़ी सी गैरत कर लें। अद्दू भाई ने उस दिन एक बात बताई थी, अब वो बात बार बार मुझे याद आती है, एक मिनट बताता हूँ। वो बात यह है कि इंसान की आधी ज़िंदगी इंतज़ार करने में गुजर जाती है, कभी रेस्टोरेंट्स की लाइन में, कभी वॉशरूम्स की लाइन में, कभी काउंटर पे, कभी पांडा में, कभी हॉस्पिटल में, इंतज़ार ही करता रहता है बंदा पूरा दिन ना। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमने ऑर्डर दिया हुआ था तो वो एकदम से आ गया। इंतज़ार ही चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है ना। हमें नमकीन चाहिए, हमें मीठा तामिया मतलब नहीं चाहिए। नमकीन जरा चटपटा होगा, जरा अच्छा सा बना के देगा वो सबर में, जल्दी जल्दी में फिर ऐसा नहीं हो कम। वैसे कैसा होता है ना अगर सारे एकदम से जो भी काम किया एकदम से एकदम फौरी फौरी हो जाता, कैसा अजीब सा लगता ना फारिग बैठे हुए थे पूरा दिन करने के लिए कुछ होता ही नहीं। चलो ठीक है ये भी सही है, इंतजार का भी एक मजा होता है। लेकिन अद्दू भाई के साथ ज्यादा मजा आता था ना जब अद्दू भाई थे घूमने। आ गया भाई, आ गया आ गया। थैंक यू माय फ्रेंड। ओके मुझे ये लो भाई, तो घर जाके ही खाएंगे। सब कुछ हमारे सामान है, देख लो जरा एक दफा रोना आएगा वरना खा जाके। सेट अप नहीं पैक है यार, फ्राइज एकदम गरम। खुशबू कैसी आ रही है? आ रही नहीं फ्राइज ऐसे डब्बा गरम तो निकालो ना फ्राइज फिर बात होती है। ये है हमारे सनशाइन और कौन बच्चा बोलता था सनशाइन, ये है तामिया। बाजी जरा इसको ओपन करके दिखा, उद्घाटन करें इसका सुफरा। हाँ बिछाने का, इसको जरा खोल के देखो और फिर बताओ कि क्या वो। वाओ हुई 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 जबरदस्त। अभी खा के बताने वाला होगा कि इसमें क्या क्या है। बस ये तुम्हें हर बाइट में एक नया टेस्ट आएगा। ओके बिस्मिल्लाह करो। हम सारे बाजामात आए हैं बॉक्स सिनेमा मूवी देखने के लिए भूल भुलैया 2। मैं बाजी नम्मो आपी बन्ना भाई हम सारे आए हैं लेकिन 1:05 हो गए, सेल्फियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं सबकी, अभी तक हम अंदर नहीं गए हैं और 1 शो शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ पर हम सेल्फियाँ ले रहे हैं पहले और ये टिकट हमारे रेडी हैं बिल्कुल। ये देखो सबकी सेल्फियाँ हो रही हैं, टिकट हमारे हाथ में 1:00। ये देखो
तस्वीरें खींच रही है अभी, तस्वीरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म की, खैर है कोई मसला नहीं, पॉपकॉर्न वगैरह हमने ले लिए। अच्छा मंगाया हमने तुम्हारे लिए कार्तिक आर्यन खास ना, ये हम पिक्चर खिंचवा रहे हैं, आप ही पिक्चर ले रही हैं, लेकिन ब्लॉग भी तो बनना है ना साथ साथ, सेल्फी लेके चले जाएंगे हम, ऐसा लग रहा है फिल्म नहीं देखेंगे। थैंक यू, ये लो तुम्हारा ब्लू स्लश, शुक्रान, ये लो आपकी। भाई 1:05 हो गए, अभी तक हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि सामान इतना है हमने जो लिया है, ऐसा लग रहा है हम सिनेमा ग्रोसरी करने के लिए हैं, स्लश ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये देखो मेरिंडा स्लश, पेप्सी स्लश, ब्लू स्लश, सारे स्लश पी के कल टोटो करना, नाचोस 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 इतने भर के मिले, ऐसा लग रहा है दस्तरखान लगाना पड़ेगा इसके लिए। आ जाओ चलो चलो, टिकट 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 लो, हाँ हाँ, हम सब देखने जा रहे हैं भूल भुलैया। यार ये तो बड़ा अच्छा सिनेमा बनाया है इन लोगों ने टाउन स्क्वायर पे, पिक्चर्स लेके बाजी तुम यहां की एक पूरी वीडियो बना लो अच्छी सी। नहीं चला जा रहा ना तेज तेज, अब हील पहन के जो आई थी बड़ा शौक से। शट अप बोला था निकलते निकलते साथ ने भी बोला था, मम्मा ये नहीं पहन के जाओ इसमें सही नहीं चल सकोगे। मैं इसीलिए मैं यही सोच रहा हूँ बाजी एकदम इतना पीछे क्यों चल रही। सिनेमा कौन सा था भाई? 12। तो कहाँ है वो? ये रे, स्क्रीन 8-12। सिर्फ लेडीज के क्या? वॉशरूम है ये सिर्फ लेडीज का। नम्मा मूवी निकल गई तेरी आधी से ज्यादा। सिनेमा 12 चलो भाई। एफ लाइन में सीट्स हैं हमारी। अभी खाली है तो हम कहीं। एक मिनट मैं खोल देता हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है आ जाओ। थैंक यू। ए बाबा स्लश दे दो। अभी तक मूवी शुरू नहीं हुई है, सबसे मजे की बात है। स्ट्रॉ का है? स्ट्रॉ नहीं लिया हमने। स्ट्रॉ लिए तुमने? मेरे पास है। हाँ। कितनी है? एक। तो शेयर कर लेंगे ना ये। एक एक स्ट्रॉ कितने में डालेंगे? 3 है। फिर अभी मूवी शुरू नहीं हुई, वापस ले आए। लेकर आए कोई? पता चल रहा है देसी फैमिली आई है मूवी लेकर। 2-3 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। बैठो बैठो बैठो। सिनेमा में आके हमने इतना शोर मचा दिया, साफ पता चल रहा है देसी फैमिली मूवी देखने के लिए आई है। स्लश की स्ट्रॉ नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया, अजाब हो गया। यही लगा के पी लेता हूँ। और ये औरत फूल लेके आई है कार्तिक आर्यन को देने के लिए। जैसे ही इंट्रो होगा फूल नहीं दिया। हाँ कार्तिक आर्यन के लिए फूल दिया, मुझे फूल देके बोल रही है मैंने आपके लिए लिया, मैंने कहा अभी अपने पास रख लो, तो कह रही है मैं कार्तिक आर्यन को दूंगी क्योंकि आपने वापस कर दिया मुझे। वापस कर दिया फूल देके, वापस करे कोई तो देना चाहिए ना आगे किसी को। अभी दो यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। क्या बनाया मत दादी, मैं आपके साथ हूँ। अरे हाय अमी मोंजलिका, भैया अभी बीच में इंटरवल हुआ है, क्या ही क्लास की मूवी है, और वो जो बंदा है कार्तिक आर्यन उसकी क्या ही अंत एक्टिंग है, नेक्स्ट लेवल। और जो मेन इसके अंदर, हाँ भंड बहुत मजे के हैं। बच्चे कुत्ते के बच्चे, तू सुबह है। फिट 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 मूवी है यार, मजेदार। उफ अब इंटरवल हुआ जरा, रात का 2:30 हो रहा है। फिर इंटरवल के बाद और अभी बिल्कुल बस मंजोलिका आई है अभी अभी ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो देखना जरूर, बहुत क्लास की मूवी है, क्लास क्लास की मूवी। आधी हुई है लेकिन अभी तक यही फैसला है कि इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग कार्तिक की है। हाँ मस्त एक्टिंग है, हर चीज़ संभाल ली है उसने ना एकदम से, तो देखना जरूर। ओ भाई नेक्स्ट 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 लेवल मूवी थी, कहीं पे भी अक्षय कुमार को मिस नहीं किया हमने। हाँ आने के लिए वो कहीं पे भी अक्षय कुमार को हमने मिस नहीं किया। और एक बात, जब ट्रेलर देख के मैंने बाजी और मान को बोली थी कि ट्रेलर में ज्यादा जोक नहीं है, इसका मतलब है मूवी में बहुत सारे जोक्स होंगे। बात सही थी, क्लास की मूवी, नेक्स्ट लेवल मूवी। ज़ॉम्बी कौन सी मूवी है ये? देखो जैसे जैसे पोस्टर लगे हैं वैसे वैसे भाई पिक्चर्स ले रहे हैं उसके साथ। भाई आपको कैसी लगी मूवी?
बहुत अच्छी लगी और मुझे ये पता चला कि मैंने जिंदगी में पहली दफा सिनेमा में मूवी देखी है, बता लेनी किसी को। अच्छा। मैंने पहली दफा देखी और मुझे इतना मजा आया, मैंने सोचा मैं बार बार देखूंगा, बाकी की जितनी मूवी है वो भी मैं सिनेमा में ही देखूंगा, है ना। लेकिन मजा आया, लेकिन किसी को बताना नहीं प्लीज, बस ठीक है, कि मैंने पहली दफा देखी, मजा आ गया। बाजी कैसी लगी मूवी? बहुत मजे की, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी सी मूवी देखी, है ना। वरना इतनी अजीब अजीब सी मूवीज आ रही थी, मजा नहीं आता देख के, वर्थेड थी खाना, वर्थेड हो गया। मतलब वो जैसे हमें लेकर आएगी ना कि नहीं चलता, जितनी हाइप क्रिएट करके लाई थी वो वाकई वर्थेड थी, मजा आया देख के। क्लास मूवी, नेक्स्ट लेवल। दो महीने से वेट कर रही थी मैं, जिस दिन कार्तिक आर्यन ने कैसे पता चला, पोस्टर लगाया था, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मूवी अच्छी होगी? क्योंकि एक तो भूल भुलैया पिछली बहुत अच्छी थी, हाँ। वो बहुत हिट थी, तो मुझे ये था। दूसरा मुझे ये पता था कि कार्तिक आर्यन की मूवी है तो बहुत अच्छी होगी। तीसरा मुझे इसलिए पता था कि जिस मूवी के ट्रेलर में, कॉमेडी मूवी के ट्रेलर में ज्यादा से ज्यादा जोक्स सारे मूवी के नहीं दिखाए हुए होते, उस मूवी के अंदर जोक्स होते हैं ज्यादा, वो कॉमेडी अच्छी होती है। बाकी में थे तो लेकिन बहुत क्लास की मूवी थी, जरूर देखना अगर आप सिनेमा, अगर आपके करीब है तो उसमें जाके देखिएगा, ना ही देखो तो थोड़े दिन में शायद नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, तो उसमें देख लेना, बहुत अंत मूवी नेटफ्लिक्स की ही मूवी है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बाजी तुम्हें कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी, मजे की, बड़े दिन बाद लाइट मूवी, है ना, फुल ऑफ शो, मजा आया बस, हल्की फुल्की सी। हाँ, इसके गले पड़ता है मोटा पोटलू। हाँ, बन्ना तुम्हें कैसी लगी मूवी? बहुत बहुत अच्छी। रात को जो मैं जाग कर आई, बच्चों को सुला के, रात की नींद कुर्बान करके, वो जो है बेकार नहीं गई, वर्थ इट हो गया। वरना मुझे ये हो रहा था कि ये ना हो कि नींद भी ख़राब करूं और आगे मूवी भी बेकार निकले। पार्टी में हमारा शो शुरू हुआ था 1 बजे और ख़त्म हुआ तकरीबन 3:30 बजे और हम लोगों को कुत्तों वाली भूख लग रही थी और रात के 3:30 बजे जद्दा के अंदर आपको या तो गुरैयात की सैंडविच मिलती है या आप किसी अगर पंप पे चले जाओ तो वहाँ से आपको अंडे पराठे वगैरह टाइप की सैंडविचेस मिल जाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो हमने कहा पार्टियों जद्दा के अंदर 4:30 बजे आपको अगर अलबेग के नगेट्स, फ़िश नगेट्स और इस टाइप की कोई भी चीज़ खानी हो चिकन के अलावा, ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाएँ, सीधा जद्दा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचें अराइवल पर और आपको अलबेग मिल जाएगा। तो हमने भी यही सोचा कि हम भी जाएँ और जाके अलबेग लें और सुकून से घर जाके उसको इंजॉय करें। नगेट्स, फिश नगेट्स, श्रिम्प्स और सैंडविचेस, बर्गर्स, ये इस टाइप की सारी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता चिकन नहीं मिलेगी, तो हमने वही लिया अभी, सब घर जाके सुकून से बैठ के वो खाएंगे क्योंकि फिल्म देख के भूख लग गई भाई। जब तक अलबेग बन रहा था तो हमने कहा हमारी एक एसटीसी की नंबर है वो हम निकाल लेते हैं, तो ये हमें किसी के मुँह लगने नहीं पड़ा। ऑन योर पेमेंट, ओके, डायरेक्ट एटीएम से बस हम वो करेंगे पेमेंट, जो है वो यहाँ के बजाय कार्ड नंबर डाल के हुई है और अल्लाह करें यहाँ से सिम निकल आए, पैसे हो गए हैं। वी नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है, यूज़ फिंगरप्रिंट। पांचों फिंगर कैसे रखें? अच्छा, कंटिन्यू, ठीक है, बात है, फेल है, ये फेल है, रिश्ता दे दिया भाई, एजेंट के पास चले जाओ, ठीक है, थैंक यू। एसटीसीजे के जो एटीएम लगे हुए हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, पता नहीं बाकी लोगों को होता हो लेकिन हमें नहीं हुआ, नहीं निकली सिम, पचका हो गया हमारा, दोबारा अलबेग लेने जा रहे हैं। माशाल्लाह तबारकल्ला भाई, बिस्मिल्लाह। ये शाम की बलोची टिक्का कढ़ाई भी है और ये भी है, पलाव भी है, तो ये आते ही नहीं थे जद्दा। और नगेट्स की पार्टी हो रही है फुल, माशाल्लाह अलबेग की। कितने बज रहे हैं? सुबह के 6:30, वाह, सुबह के 6:30 बजे अगर आपको अलबेग खाना हो तो पता है ना कहाँ से मिलेगा? एयरपोर्ट से मिलेगा। देखो ये आप लोगों को कौन बताएगा ये सारी बात? हाँ, तो पार्टियों हम आ गए हैं घर, खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया। बाजी एंड नम्मो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई आप लोग हमें मैसेज किया करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आज भी हमारे पास बड़े प्यारे मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा और वो है उन दुआओं से रिलेटेड जो हम लोगों ने रमज़ानों में की, और उससे रिलेटेड एक बहन का मैसेज आया था। बाजी गौर से सुनना, ठीक है? ठीक है, चलो भाई। इनका नाम है असीना। आपकी जो वाइफ है और जो रिसेंटली बाजी आई है, एवरी नाइट मैं आप लोग की वीडियोस देखती हूँ, तो जिस दिन आप लोग हरम शरीफ गए हुए थे उस दिन आपकी बाजी और आप लोग ने दुआ की थी कि जो भी है इस पाक जगह पे डेफिनेटली आए,
तो वही वक्त मैंने आमीन आमीन कहा. एंड सेकेंड डे जस्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ, आंख खुलते ही मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज किया कि हम लोग उमरा जा रहे हैं. मैं काफी दिन से जाना चाह रही थी. तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप लोग की दुआएं हैं जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स भी इतनी पाक जगह पे जा रहे हैं. जज़ाकअल्लाह खैर इतने प्यारे वीडियोस बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. माशाल्लाह आप खैर से आए यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, और आके खुद देखें अल्लाह ताला का घर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा. और बिल्कुल जो दुआएं हमने की थी वो बहुत दिल से की थी आप सब लोगों के लिए, तो उसका बड़ी काफी इमोशनल फील हो रही थी उनकी आवाज से ना, है ना, हंसी हो रही थी. जाहिर सी बात है इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतना इंसान हर इंसान आना चाहता है, और जब एकदम से आ जाए तो बिल्कुल. अल्लाह पाक आपकी इसको हाजिरी को कबूल फरमाए और आपकी मुरादों को पूरा करे, और आप खैर और आफियत से आए उम्रे पे. बिल्कुल. और बाकी सब पार्टियों को भी आप दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह से उनके लिए दुआ करिएगा कि वो भी इंशाल्लाह खैर से उम्रे पे आए और आके यहाँ पे खुद ही एक्सपीरियंस करें. अच्छा जी, दूसरा मैसेज है हमारे पास रिजवाना इरफान का, सुनिए. उनको जरूर बताना कि ना मेरी पार्टी ने आपको बहुत बहुत प्यार दिया है. सलाम सलाम देना उन लोगों को भी. सलाम भाई, मेरी पार्टी ने तुम्हें सलाम कहा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, इतना प्यारा मैसेज है आपका माशाल्लाह. एक मैसेज और था, मैं एक मिनट ढूंढ के निकालता हूँ कहाँ गया. भाई एक बात पक्की हो गई है कि हम दुनिया में अब कहीं भी जाएंगे ना, हमारी पार्टियाँ वहाँ पे हैं. डिफरेंट डिफरेंट जगहों से माशाल्लाह मैसेज आया है, आता है मुसलसल. आज किसी ने सैन डिएगो कैलिफोर्निया से मैसेज किया हुआ था, मान तुम्हारे लिए मैं पढ़ रही थी. हाँ उन्होंने अपनी जगह बताई थी, पता नहीं गुजरात इंडिया से और पर हर हर जगह की डिफरेंट कंट्री. और वो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, उसी पे तो हमें बताइएगा. रिप्लाई किया था उन्होंने. यस माशाल्लाह. ये इनका नाम है अनामता आफाक. अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है आपका? बहुत बहुत आपको मुबारक हो. मैं किसी भी ब्लॉगर को, बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी भी मैं किसी को मैसेज या कमेंट भी बहुत कम ही करती हूँ. तो अभी हम लोग रिसेंटली अमेरिका मूव हुए हैं जद्दा से. तो जद्दा में मैं तो खैर शादी होके गई थी, तो मैंने 8 साल वहाँ गुजारे, और मेरे इन-लॉज भी वहीं थे. ऐसा ऐसा वो सब सारे चले गए जो थे, कुछ दुनिया से चले गए. तो खैर बहुत अच्छा टाइम हमारा वहाँ गुजरा. बस वही चीज़ है कि वहाँ के हालात की वजह से जो है हमें यहाँ मूव होना पड़ा. तो यहाँ आ गए तो अब बहुत याद आता है जद्दा. तो आप एक एक चीज़ जो दिखाते हैं ना, यकीन करें आप, पता नहीं यकीन करेंगे नहीं करेंगे कि चीज़ों को देख देख के जो है वो जद्दा के रोडों को देख देख के, चीज़ों को देख देख के आँखों में यकीन करें आंसू आ जाते हैं. और मक्का मदीना तो बस देख के जो है ना दिल तड़प जाता है. खैर बहुत अच्छा आप लोगों को लगता है देख के, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत. जी मैंने सोचा मैं अपना मैसेज पूरा कर लूँ. अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेम जिंदगी दे. 40K की बहुत मुबारकबाद आपको. अल्लाह ताला जल्दी जल्दी आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स कर दें. और ऑलमोस्ट 5 मंथ हुए हमें यहाँ आए हुए, और हम लोग यकीन करें वेट करते हैं कि कब आपका व्लॉग आएगा. तो बहुत शौक से देखते हैं. हमने अमेरिका वालों को भी आपके व्लॉग्स पे लगा दिया है. और नमो के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मुझे वो बहुत नाइस लगती हैं. बहुत ही उनका बहुत ही नाइस सोल, और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, मतलब वो बहुत ही स्वीट है. अल्लाह ताला उनको बहुत सही जिंदगी दे. बाजी बहुत नाइस हैं, सभी अच्छे हैं माशाल्लाह. अल्लाह ताला बस बुरी नजर से बचाया आप लोगों को. बहुत अच्छा लगता है देख के, अपनी चीजें याद आ जाती हैं. बस बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंटरटेन होते हैं हम आपके व्लॉग से. तो इंशाल्लाह दुआओं में बिल्कुल हैं आप. अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, आपकी फैमिली को सेहत जिंदगी दे, आपको भी. जज़ाकअल्लाह खैर. तुम लोग पहले बताओ फिर मैं बताता हूँ. थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए और पसंद करने के लिए.
और आप यकीनन खुद भी बहुत अच्छी होंगी, जो आपको अच्छा लगा सब कुछ देख के, और ऐसे ही इंजॉय करें, व्लॉग्स देखें। और जो भी जद्दा से चला जाता है वो जद्दा को मिस करता है, ये देखा है मैंने। बिल्कुल। और अब ये मेरे साथ होने वाला है, मेरी मैं पहले शायद मान के व्लॉग्स में इतनी डिटेल नहीं देखती होंगी, लेकिन अब जाके मुझे सब पता चलेगा, हर हर चीज देखोगी अब तुम। हाँ, और मैं भी शायद इसी तरह से मिस करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। थैंक यू सो मच। और पहले तो खैर मुबारक 40K की, 40K के आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। दूसरा ये कि बिल्कुल आप, ये मेरा मिशन था हमेशा से कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ बनाऊं जो आप लोग रिलेट करो, कि मतलब जो भी चीज़ मैं दिखाऊं तो वो आप लोग रिलेट करो, ऐसा ना हो कि आप लोगों की सोच कहीं और जा रही हो और मेरा कंटेंट कहीं और जा रहा हो। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं, कि ये एक टाइप का वो होता है कि हाँ यार मैं राइट ट्रैक पे हूँ। और हमारे पास चौथा मैसेज एक और है, हम वो भी शामिल करते हैं, तो फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। ये है सना खालिद का मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मैं पाकिस्तान पंजाब से बात कर रही हूँ। चल भाई, पंजाब में भी पार्टियाँ हैं, दुनिया में हर जगह पार्टियाँ हैं हमारी, बेशक। और मैं आपके पूरी फैमिली की बहुत बिग बिग फैन हूँ। थैंक यू। अभी कुछ डेज पहले मैंने बाई चांस FB पे आपका एक ब्लॉग देखा, और मैंने आपके ब्लॉग्स देखने शुरू किए, बट आई रियली रियली इंजॉयड अ लॉट कि पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू। स्पेशली आपकी वाइफ नमो की मासूमियत, इनोसेंस, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नमो पर जा रही है। प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सना खालिद, बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का। और खास तौर पे इस बात का थैंक यू जो आपने बोला कि आपकी वाइफ नम्मो की मासूमियत। मुझसे पूछो। नो शी इज वेरी इनोसेंट माशाल्लाह। हाँ यार, वाकई में नम्मो है तो मासूम। और दूसरा ये कि बिल्कुल ये आप लोगों की मोहब्बत है, और हम लोगों को ये बड़ा मज़ा आता है देख के कि आप लोग माशाल्लाह, कोई पंजाब से, कोई US से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से, कहाँ कहाँ से, माशाल्लाह। टर्की से भी एक मैसेज आया है, वो कह रही थी आप जब भी टर्की आएँ तो आप लोग हमारे पास ज़रूर आइएगा और हमसे ज़रूर मिलिएगा। तो अब इंशाल्लाह ताला हम कहीं भी जाएंगे, हमारी पार्टियाँ वहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मीटअप करने के लिए। हाँ बिल्कुल, पार्टियाँ तैयार हैं। और एक बड़े मज़े की बात मेरे जहन में आई थी कि हाँ, वो बात ये थी कि आप लोगों ने मेरा कौन सा पहला व्लॉग देखा था, मतलब मैं आप लोगों को कहाँ से मिला, कैसे मिला, और पहला व्लॉग कौन सा देखा था, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो व्लॉग कौन सा था जिसके बाद से आपने मेरे व्लॉग्स लगातार देखना शुरू किए। चलो भाई, अब लाइक्स का टारगेट बता दो जरा। यार पार्टियों, आप लोगों ने 2000 वाला टारगेट अचीव नहीं किया है, तो चैलेंज दिया था नम्मो ने, 1500 तो लाइक होने चाहिए। 1500 प्लीज़, 1500 करा देना, इज्जत रख लेना यार। हाँ। मेरी रख लेना। बाजी के सामने इज्जत रख लो यार, पार्टियों क्या कर रहे हो, मतलब बाजी बोलेगी इतने सुस्त। अच्छा फेसबुक वाले अच्छे हैं, फेसबुक वालों ने करा दिए ठक ठक, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए उन्होंने करा दिए जी। यूट्यूब वालों का पता नहीं, फेसबुक भाई जी वालों उठो, लाइक दबाओ। ज्यादा प्यारा और खूबसूरत और तमीज़दार प्लेटफॉर्म है यूट्यूब आप लोगों का जी, और आप लोग ऐसे कर रहे हो, फेसबुक वाले आगे जा रहे हैं। पसंद नहीं आ रही ये बात मुझे जरा। तो हम अभी बाजी को भी फोन किया मैंने, बाजी को भी पसंद नहीं आई ये बात, जरा पसंद नहीं आई। तो खैर चलो, हाँ बाजी तुम्हें पसंद आई, बाजी को भी पसंद नहीं। हम अभी अद्दू भाई को फोन करेंगे, उनसे पूछेंगे, उन्हें भी पसंद नहीं आएगी, जरा पसंद नहीं आएगी। भाई को ये पता ही नहीं चल रहा अभी तक कि वो चले गए और लाइक्स नहीं आ रहे पीछे। हाँ, हम उनको बताएंगे तो उनको भी पसंद नहीं आएगी ये बात। तो वो भी सब लाइक करें जो अद्दू भाई को मिस कर रहे हैं। चलो भाई, पार्टियों अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे, नम्मो और बाजी, हम तीनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।